In this lecture series, we will discuss numerical differentiation. और अगर हम numerical differentiation की बात कर रहे हैं तो हमें interpolation के basic concepts पता होने चाहिए. Interpolation के basic concepts नहीं पता है जब तक हम numerical differentiation नहीं समझ सकते, है ना? जैसे जब हम interpolation की बात कर रहे थे तो हम interpolation में क्या find करते थे? हमें कुछ points given होते थे, उन पर function की value हमें पता होती थी. Like x नॉट पर फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स नॉट थी, x1 पर फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स वन थी, है ना, x2 पर फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स टू थी, एंड xn पर फंक्शन की वैल्यू xn थी. हमें कुछ फाइनाइट पॉइंट्स पता थे और इनकी हेल्प से हम पॉलिनोमियल फाइंड करते थे y इक्वल्स टू एफ एक्स का. यही काम तो करते थे. और या फिर हम किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते थे विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन. अब क्योंकि हम वहां पर पॉलिनोमियल फाइंड कर लेते थे तो हम उसका डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते थे, है ना? तो एक तो तरीका यह है कि आप न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन अगर आपको फाइंड करना है, सपोज आपको एफ डैश एक्स निकालना है किसी भी पॉइंट पर, तो आप पहले पॉलिनोमियल फाइंड कर लो और फिर उसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं. बट वहां पर एक प्रॉब्लम क्या है कि जो क्वेश्चन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि पॉलिनोमियल फाइंड करना इतना आसान नहीं है. आपने इंटरपोलेशन में भी देखा होगा कि जब हम किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते थे तब तो हम इंटरपोलेशन के फॉर्मूले आसानी से यूज कर लेते थे, लेकिन जब हम पॉलिनोमियल फाइंड करते थे तो वहां पर कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, थोड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाती थी. तो उसके लिए हम कुछ फॉर्मूले डेराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन. तो इंटरपोलेशन में अगर हम बात करें तो जनरली हमने दो केसेस के ऊपर बात की थी. फर्स्ट, कि अगर हमारे पास जो ये x के पॉइंट हैं ये इक्वल इंटरवल में है, और अगर ये इक्वल इंटरवल में है तो हम कौन कौन से फॉर्मूले यूज करते थे. अगर हमें बिगनिंग ऑफ द टेबल वैल्यू फाइंड करनी होती थी तो फिर हम वहां पर न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करते थे. अगर हमें एंड ऑफ द टेबल वैल्यू फाइंड करनी होती थी इक्वल इंटरवल में तो हम यूज करते थे न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला. ठीक है, अगर हमें इक्वल इंटरवल दिया होता था और हमें सेंट्रल में अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी होती थी तो हम यूज करते थे सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला. अब सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले में हम गॉस बैकवर्ड, गॉस फॉरवर्ड, स्टेरलिंग, बेजल्स, एवरेट्स फॉर्मूला यूज करते हैं, तो हम एज पर रिक्वायरमेंट कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ठीक है, एंड फॉर अनइक्वल इंटरवल हमारे पास दो मेथड थे, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला एंड लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला. सो फर्स्ट न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला एंड सेकेंड था लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला. ठीक है, तो अब जब हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारे पॉइंट्स हैं वो इक्वल इंटरवल बेस्ड हैं या अनइक्वल इंटरवल बेस्ड है. उसके बाद अगर स्टार्टिंग की वैल्यूज हैं और इक्वल इंटरवल है तो फिर हम न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना. अगर एंड ऑफ द टेबल वैल्यूज हैं तो बैकवर्ड इंटरपोलेशन यूज करेंगे. सेंट्रल वैल्यूज के लिए कोई भी सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला यूज करेंगे. एंड अनइक्वल इंटरवल के लिए हम न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करेंगे या फिर लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करेंगे. और ये सारे फॉर्मूले हम इंटरपोलेशन में पढ़ चुके हैं. नाउ वी डिस्कस न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला. ठीक, तो उसके लिए हमें न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए. सो न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला इज, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं.
और फॉर्मूला होता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ए प्लस पी डेल एफ ए प्लस पी पी माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए प्लस पी पी माइनस वन पी माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ ए प्लस पी पी माइनस वन पी माइनस टू पी माइनस थ्री अपॉन फोर फैक्टोरियल डेल टू द पावर फोर एफ ए एंड सो ऑन वेयर वी नो दैट पी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें पता था। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, हमें एफ डैश एक्स फाइंड करना है। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स इक्वल्स टू ए प्लस पी एच। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस पी एच। तो एक्स की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा तो मुझे मिल गया एफ ए प्लस पी एच इज इक्वल्स टू एफ ए प्लस पी डेल एफ ए प्लस। अब इन इक्वेशन को मुझे सिंप्लीफाई करना है। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए प्लस, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा पी क्यूब माइनस थ्री पी स्क्वायर प्लस टू पी अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ ए। एंड जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा पी टू द पावर फोर माइनस सिक्स पी क्यूब प्लस इलेवन पी स्क्वायर माइनस सिक्स पी अपॉन फोर फैक्टोरियल डेल टू द पावर फोर एफ ए एंड सो ऑन। ठीक है, और इसको हमने सिंप्लीफाई क्यों किया, क्योंकि हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू पी। तो जब तक हम इसको सिंपल पॉलिनोमियल बना के डिफरेंशिएशन करना ज्यादा आसान होगा, अदरवाइज हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना पड़ेगा और वो टफ होगा। ठीक है ना, तो हमने इसको सिंपल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट किया। अब इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से मिलेगा क्योंकि हम इसको पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एफ डैश ए प्लस पी एच इंटू, जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ए कॉन्स्टेंट है एच कॉन्स्टेंट है कॉमन आ जाएगा और पी का डिफरेंशिएशन होगा वन, तो ये आ जाएगा एच इंटू एफ डैश ए प्लस पी एच इज इक्वल्स टू, ये भी कॉन्स्टेंट होगा एफ ए क्योंकि ये फंक्शन की वैल्यू है ए पॉइंट पर, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। ये टेबल्स में वैल्यू जितनी भी होती है वो सारी कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, तो ये सब कॉन्स्टेंट वैल्यू होंगी, आपने देखा होगा जब आपने डिफरेंस टेबल बनाई होगी। तो यहां से डेल एफ ए कॉन्स्टेंट है, पी का पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन होगा, तो यहां से मिल गया डेल एफ ए प्लस, इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो मिल जाएगा टू पी माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए प्लस, यहां से मिल जाएगा पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के बाद थ्री पी स्क्वायर माइनस सिक्स पी प्लस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ ए प्लस, इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मिल जाएगा फोर पी क्यूब माइनस 18p स्क्वायर प्लस 22p माइनस 6 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल टू द पावर 4 एफ ए एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमें इसका डिफरेंशिएशन मिल गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां से इस h को इधर डिवाइड करना पड़ेगा और इस a प्लस पी एच की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं x, तो हमें क्या मिल जाएगा f डैश x मिल जाएगा जो हमें फाइंड करना था। ठीक है, f डैश x इज इक्वल्स टू वन अपॉन h। ठीक है, और
अंदर वही सेम फॉर्मूला रहेगा जो हमने लास्ट स्टेप किया था, डेल एफ ए प्लस 2p माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए प्लस 3p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ ए प्लस 4p क्यूब माइनस 18p स्क्वायर प्लस 22p माइनस 6 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल टू द पावर 4 एफ ए, वेयर नो दैट पी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, और ये एक्स कौन सी वैल्यू होती है, जहां पर हम उस पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं, या तो वो इंटरपोलेशन में और या फिर हम जब न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो एक्स पॉइंट है ये कहां पर होगा, अगर हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, तो कहीं ना कहीं ये स्टार्टिंग ऑफ द टेबल में ये पॉइंट होगा। लेकिन अगर हमें न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन फाइंड करना हो किस पर, जो पॉइंट इस टेबल में ही गिवेन होते हैं, तो उस केस में क्या होगा, सपोज हमें स्टार्टिंग के पॉइंट पर ही हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है ना। तो अब ये हमारा पॉइंट क्या है, ए इस इक्वेशन के हिसाब से, और ए अगर है तो अब एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ए। तो जब हम एक्स की वैल्यू ए पुट करेंगे, लेट एक्स इक्वल्स टू ए, इन दैट केस पी की वैल्यू क्या आ जाएगी जरा बताना, ए माइनस ए इज जीरो एंड इन दैट केस पी इज इक्वल्स टू जीरो। तो एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल जाएगा और जो हमें कई बार यूज करना होता है जब हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो अब आप इस फॉर्मूले में पी की जगह पर जीरो पुट कर दो हर जगह, तो यहां से क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एच डेल एफ ए माइनस, ये जीरो हो गया, माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2, तो ये आ गया माइनस 1 अपॉन 2 डेल स्क्वायर एफ ए, फिर प्लस ये कितना आ जाएगा, पी की वैल्यू 0, 0, 2 अपॉन 6 विच इज 1 अपॉन 3 डेल क्यूब एफ ए। सिमिलरली यहां पर जब पी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा, 6 अपॉन 24, एंड जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 4 डेल टू दी पावर 4 एफ ए। आगे आप ये वैल्यूज सिमिलरली फाइंड कर सकते हो। तो अब आप देखो कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कितना आसान बन गया, अगर हमें न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन फाइंड करना है उस पॉइंट पर जो वैल्यू टेबल में गिवेन है, तो उस केस में ये देखो कितना आसान फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो अगर आपको उन वैल्यूज पे डिफरेंशिएशन फाइंड करना है जो आपकी जो टेबल है वहां पर वो वैल्यूज नहीं गिवेन है, सपोज है ना x नॉट एंड x1 के बीच में कोई पॉइंट है, उस पर अगर आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तब तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और अगर आपको न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पूछ रहा है उसी पॉइंट पर जो आपको टेबल में पॉइंट्स गिवन है एक्स के, तो उस केस में आपको ये बहुत सिंपल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा डायरेक्टली। ठीक है, और ये आप देखो एक सिस्टमैटिक फॉर्म में भी है, 1 अपॉन एच डेल एफ ए माइनस 1 अपॉन 2 डेल स्क्वायर एफ ए, फिर प्लस 1 अपॉन 3 डेल क्यूब माइनस 1 अपॉन 4 डेल 4 प्लस 1 अपॉन 5 डेल टू द पावर 5, और ये फॉर्मूला यूज करके हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गिवन दैट एक्स की वैल्यूज गिवन है और उस पर फंक्शन की वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो डिफरेंस टेबल बनानी है और फाइंड करना है क्या हमें, एफ डैश वन मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है एट एक्स इक्वल्स टू वन पर, है ना। तो अब सबसे पहले, अब क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द टेबल वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें
न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डिफरेंस टेबल बना लेते हैं, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो x की वैल्यूज के देने हैं, यहां पर नोट कर लेंगे, x इज 1, 1.1, 1.2 एंड 1.3। इस पर फंक्शन की वैल्यू गिवन है 0.841, 0.891, 0.932 एंड 0.963। डिफरेंस टेबल बनानी है तो यहां आ जाएगा डेल एफ एक्स, डेल स्क्वेयर एफ एक्स एंड डेल क्यूब एफ एक्स। जब डिफरेंस टेबल फाइंड करेंगे तो आपको आता है कि हम किस तरह से डिफरेंस टेबल बनाते हैं, सिंपल। तो इसको जब इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.050, 0.041 एंड 0.03। नेक्स्ट डिफरेंस टेबल आ जाएगी -0.009। कैसे निकाला? 0.041 माइनस 0.050, ठीक है ना। इसी तरह से जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, है ना, तो हमें जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? -0.010 एंड फाइनली क्या मिल गया? -0.001। ठीक, तो डिफरेंस टेबल हमें फाइंड करनी आती है। तो ये हमारी डिफरेंस टेबल आ गई। अब यहां पर हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है डिफरेंशिएशन के लिए? तो आप देखो, हमने क्या बोला था कि अगर हमें 1 एंड 1.1 के बीच में अगर कोई वैल्यू पूछता और उस पर डेरिवेटिव की वैल्यू पूछता तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना था, जर्मल फॉर्मूला। लेकिन क्योंकि हमारा केस पर्टिकुलर केस है, क्योंकि वो हमसे उस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन पूछ रहा है जो कि टेबल में गिवन है, ठीक। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, जो एक्स की वैल्यू है वो हमने क्या ले ली, 1, और जो हमारा इनिशियल पॉइंट है ये भी 1 है, 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो अब हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे जो हमें दूसरा फॉर्मूला गिवन था। और ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब आपको डेरिवेटिव फाइंड करना हो जो पॉइंट्स आपको डिफरेंस टेबल में गिवन है एक्स के, उनके लिए, ठीक। तो अब फॉर्मूला लिख लेंगे। तो फॉर्मूला है हमारा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1/h डेल एफ ए माइनस 1/2 डेल स्क्वायर एफ ए प्लस 1/3 डेल क्यूब एफ ए, ठीक, क्योंकि आप जो डिफरेंस टेबल है वो डेल क्यूब तक जा रही है। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो देखो यहां पर ए हमारा क्या है, 1, और ए के लिए डेल एफ ए हमारा क्या होगा, ये वाली वैल्यू होगी, है ना, डेल स्क्वायर एफ ए ये वाली वैल्यू होगी एंड डेल क्यूब एफ ए ये वाली वैल्यू होगी, क्योंकि हमारे पास इस पॉइंट पर हमें डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है। और एच कितना हो जाएगा, एच का मतलब इंटरवल, और इंटरवल है हमारा 1.1 माइनस 1 इज 0.1, है ना। तो एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0.1, ठीक। तो अब ये वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां से हमें मिल गया एफ डैश 1 इज इक्वल्स टू 1/0.1 डेल एफ ए इज 0.050 माइनस 1/2 डेल स्क्वायर इज -0.009 प्लस 1/3 एंड डेल क्यूब इज -0.001। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा 1/0.01, और इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें मिल जाएगा 0.0542, ठीक है। एंड जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे मिल गया एफ डैश 1 इज इक्वल्स टू 0.542 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना। तो आप देखिए कि कितना आसान तरीके से हमने डिफरेंशिएशन फाइंड कर लिया। लेकिन ये फॉर्मूला हमने यूज कब किया,
जब हमें एक्स की वैल्यू उस पर फाइंड करनी थी जो कि पॉइंट हमें टेबल में गिवन था एट वन, ठीक है ना। और यहां एच की वैल्यू क्या थी हमारे पास, पॉइंट वन, है ना, डिफरेंस ऑफ एनी टू, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिफरेंशिएशन फाइंड कर लिया। थैंक यू।